फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभी, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूँ, जिसको देखकर आप लोग बोलेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो दोस्तों, आप लोग जरूर बोलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही मजेदार फीचर है। दोस्तों आप लोग जानते रहेंगे व्हाट्सएप में वैसे तो बहुत सारे फीचर्स, बहुत ही न्यू फीचर्स आए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 6 ऐसे न्यू फीचर के बारे में बताऊंगा जिसको शायद आप लोग नहीं जानते रहेंगे और बहुत ही काम आने वाले आप लोगों के फीचर। मैं नहीं मानता। मानोगे, वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर मानोगे। तो दोस्तों चलते हैं फीचर नंबर 1 पे। सो दोस्तों, सबसे पहला फीचर ये है कि आप लोग कभी भी किसी भी ग्रुप में ज्वाइन है और आप लोग देखते हैं कि जो भी ग्रुप में मैसेज करता है, जैसे एडमिन मैसेज करता है, फिर कोई भी मैसेज करता है, तो हम लोग उसके पर्टिकुलर प्रोफाइल को देखने के लिए उस पर टैप करके उसके मैसेज में जाना पड़ता है देखने के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर आप लोगों को ग्रुप आइकन दिखाएगा, आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप पर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर आइकन दिखेगा। किसी कोई भी अगर नंबर से मैसेज किया रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट टैप करके उसका ग्रुप का आइकन आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल इसमें फीचर आप लोगों को दे दिया है, किसी का भी ऐसा ग्रुप आइकन देख सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे फीचर की ओर। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग कभी भी स्टेटस जब डालते हैं तो आप लोग दोस्तों टेक्स्ट करते हैं या फिर फोटो लगाते हैं या फिर वीडियोस का लिंक लगाते हैं और वीडियो लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को दोस्तों यहां पर बहुत ही मजेदार फीचर आ गया है कि वॉइस करके भी आप लोग स्टेटस डाल सकते हैं। सो दोस्तों सिंपल आप लोग क्या करेंगे कि आपके स्टेटस पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखें पेंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्टेटस में पहले आप लोग ऐसा लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर वॉइस भी कर यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल आप लोग यहाँ पर टैप करके रखेंगे और देख सकते हैं आप लोग ये 30 सेकंड का रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू हो चुका है। आप लोग कुछ भी बोलकर यहाँ पर सेंड कर सकते हैं और यहाँ पर स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा। देखो कैंसिल हो गया, वापस से कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद आप लोग ऐसा सिंपल छोड़ देंगे और आप लोगों को यहाँ पर कलर देगा चॉइस करने के लिए। आप लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट में होता था सेम टू सेम, ऐसा यहाँ पर क्या करेंगे सेंड कर देंगे, आप लोग का यहाँ पर स्टेटस लग जाएगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं तीसरा फीचर का। तो दोस्तों तीसरा फीचर है जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मस्त फीचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। आप लोग भी जानते रहेंगे कि आप अगर किसी को भी अपना चैट आप या फिर अपना व्हाट्सएप ओपन करके दे देंगे तो आपका वो सारा चैट कोई भी सामने वाला इंसान पढ़ सकता है। आप लोग चाहते हैं कि मेरा एक पर्टिकुलर कोई भी चैट हो जो वो लॉक हो, उसको कोई भी ना पढ़ पाए, अगर आप लोग उसका व्हाट्सएप अपना खोल कर दे दे वो तो भी उस चैट को ना पढ़ पाए दोस्तों, तो बहुत ही मस्त फीचर आया दोस्तों चैट लॉक का। दोस्तों इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का आप लोग चैट है लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप लोगों को जिसका भी पर्टिकुलर चैट लॉक करना होगा, सिंपल आप उसके नंबर पर ऐसा क्लिक करेंगे। नंबर पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आप उसके नाम पर क्लिक करेंगे या फिर नंबर रहेगा नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लास्ट में दोस्तों आएंगे तो आप लोगों को डिसअपीयर मैसेज के नीचे आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है चैट लॉक। जैसे चैट लॉक पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लॉक दिस चैट विद फिंगरप्रिंट, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना फिंगर लगाएंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चैट लॉक हो चुका है और आप लोगों को यहाँ पर चैट लॉक दोस्तों देख सकते हैं होम स्क्रीन पाएंगे तो ऐसा हाइड रहेगा। जैसे आप स्वाइप डाउन करेंगे आप लोग को यहाँ पर सबसे ऊपर सबसे टॉप पर लॉक चैट करके लिखा होगा, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यूज पिन करके आप लोग पिन से भी खोल सकते हैं या फिर आप फिंगरप्रिंट से भी खोल सकते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट आप अपना यूज करेंगे देखेंगे अब यहाँ पर चैट लॉक है खुल चुका है और आप लोग सिंपल यहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फीचर का। सो दोस्तों चौथे फीचर में ये है कि दोस्तों आप लोग कभी भी किसी को भी मैसेज फटाफट टाइप कर भेजते हैं और दोस्तों टाइप करते करते हम लोग क्या करते हैं कि गलत मैसेज किसी को भी सेंड कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों गलत मैसेज को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो उसको हम लोग को डिलीट मारना पड़ता है, डिलीट फॉर एवरीवन करते हैं उसके बाद जाकर दूसरा मैसेज टाइप करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं है, आप लोग दोस्तों टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलो मैं आप लोगों को जैसे मैं लिखा आप क्या करके जगह कुछ और लिख दिया हूँ, जैसे गलत हो गया रहे हो और मैं इसको क्या कर दिया सेंड कर दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं गलत हो गया, यहाँ पर लिखा आप क्या कुछ भी गलत हो गया, तो आप सिंपल से क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर राइट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग याद रखना, ये फीचर सिर्फ 15 मिनट के लिए है, आप लोग कोई भी मैसेज आप लोग सेंड करके 15 मिनट से पहले ही एडिट कर सकते हैं, 15 मिनट के बाद आप लोग का एडिट नहीं होगा। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा दूं, इसको बहुत ही पहले का मैसेज है और यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और कॉपी का ही ऑप्शन आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवे फीचर का। सो दोस्तों पांचवा फीचर बहुत ही मजेदार फीचर है जो दोस्तों शायद आप लोग भी बहुत ही इंतजार में होंगे कि ये फीचर कब आएगा कब। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि सेम व्हाट्सएप आप लोग अपने दूसरे फोन में भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू चला सकते हैं, आप अपना व्हाट्सएप 4-4 डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही व्हाट्सएप 4 फोन में आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, वो भी विदाउट नंबर। सिर्फ आप लोग करेंगे क्या,
दोस्तों जैसे कि मुझे दूसरे फोन में अपना लॉगिन करना क्या था सिंपल मैं क्या करूंगा, अपना व्हाट्सएप खोलूंगा और यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाएंगे आप लोग और यहाँ पर देख सकते हैं लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग यहाँ पर ऐसा क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, एक डिवाइस जो है वहाँ पर लिंक ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करेंगे और उस मोबाइल बीटा जो है आप लोग यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे। लॉक खोलने के बाद दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, सिंपल सा जिस मोबाइल में आप लोगों को ओपन करना है चैट, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ये क्यूआर कोड स्कैन कर देंगे, सिंपल सा। जैसे स्कैन करेंगे दोस्तों आप लोग का ये लॉगिन हो जाएगा व्हाट्सअप। आप लोग देख सकते हैं पूरा चैट यहाँ पर दिखा रहा है आप लोगों को। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट में छठे फीचर का। तो दोस्तों ये फीचर बहुत ही काम आने वाला है। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि व्हाट्सएप में कोई भी फोटो अगर हम सेंड करते हैं तो वो कभी भी बेस्ट क्वालिटी में नहीं जाता है, वो हमेशा ब्लर फोटो दिखता है, बहुत ही कम एमबी में फोटो बहुत ही ब्लर होने लगता है जब भी हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये फीचर का यूज करके आप लोग बेस्ट क्वालिटी में किसी को भी अपना फोटो सेंड कर। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे स्टोरेज एंड डेटा, स्टोरेज एंड डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सबसे लास्ट में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फोटो अपलोड क्वालिटी और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो है, इसको क्या करेंगे हम लोग बेस्ट क्वालिटी कर देंगे। जैसे बेस्ट क्वालिटी करके हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे, आप लोग देख सकते हैं फोटो क्वालिटी जो है वो बेस्ट क्वालिटी में आ चुका है। अब दोस्तों आप लोग किसी को भी अपना फोटो भेजेंगे तो वो एकदम ही एचडी क्वालिटी में जाएगा, बेस्ट क्वालिटी में जाएगा। सो दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप का फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.